वेलकम टू ब्रेक एंड यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ठीक है, जिसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो, इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो हम लोग उसे फॉर्मूला को पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो, सॉल्यूशन को हम क्या राइट करते हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका आइडेंटिटी लिख लेते हैं कि इस फॉर्मूला पे लाई कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला पे लाई कर रहा है वो होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz होता है ना, -3xyz, जिसका फॉर्मूला होता है x + y + z इंटू में होता है x² + y² + z² - xy - yz - xz। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसी फॉर्मूले को प्रूव करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, 27x³ लिया हुआ है, तो 27 तो क्यूब के फॉर्म में नहीं, तो पहले हम लोग 27 को क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 27 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x³ + y³ + z³। यहाँ पे क्या होता है, 3xyz होता है, तो 3 तो फॉर्मूले का हो गया, ठीक है, माइनस में 3 तो फॉर्मूले क्या हो गया, 3 यहाँ पे 3x दिया हुआ है, और फॉर्मूला में क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 3xyz। इसका जो हमारे पास दिया हुआ जो है 3xyz हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x³ + y³ + z³ - 9xyz। इसी फॉर्म में आ गया ना, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई जो भी दिया हुआ है उसको पुट करके और सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पुट करते हैं, तो x + y + z दिया हुआ है, इसमें मेरे पास है 3x + y + z। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, x² + y² + z² x² यानी कि 3x² + y² + z² फिर माइनस में क्या है, xy यानी कि 3x * y माइनस में क्या है, yz है, यानी कि सिंपली yz ही हो जाएगा, माइनस में फिर क्या है, xz है, तो ये हो जाएगा 3x * z। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 3x + y + z ये हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 यानी कि हो जाएगा 9x² + y² + z² इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3xy, ये तो एज इट इज हो जाएगा xz, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3xz। तो इस तरह से हम लोग 27x³ + y³ + z³ - 9xyz का फैक्टराइजेशन क्या लिखते हैं, तो इसका फैक्टराइज हो जाएगा 3x + y + z * 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3xz। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ फैक्टराइज करना था, जो कि बहुत आसान था। देखो, अगर आपको अच्छे से आइडेंटिटी प्रिपेयर है ना, अगर आपको आइडेंटिटी याद है, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आइडेंटिटी को रटना नहीं, अगर आपको पैटर्न समझ आ रहा है कि ये पैटर्न किस पैटर्न पे है, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना, सारे क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन लिखने के बाद आइडेंटिटी लिखना होता है, उसके बाद में सॉल्व करना होता है। तो आइडेंटिटी क्या होता है कि हम लोग लिखते लिखते ही सारा याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इससे पहले का सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से जाकर के आप आसानी से सारे टॉपिक को स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।